श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आप सभी का धर्मा लाइव पर। मैं नेहा राजपूत हर दिन की तरह लेकर आई हूँ आपके लिए आज का राशिफल। बताऊंगी आपको आपका दिन कैसा रहेगा, क्या कुछ होगा खास, सारी बातें करेंगे। लेकिन सबसे पहले जिन लोगों का आज बर्थडे है, एनिवर्सरी है, कोई खास दिन है, आज का दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैंने एक सवाल पूछा था आप सभी से कि सूर्य को ज्योतिष में, एस्ट्रोलॉजी में किस चीज का दर्जा दिया गया है। बहुत सारे सवाल जो है, बहुत सारे लोगों ने अपने जवाब दिए हैं। मैंने आपको कुछ ऑप्शंस भी दिए थे। अभी एक एक करके मैं उनका नाम पढ़ूंगी और बताऊंगी कि किनका जवाब जो है वो सही है और किन किन लोगों ने जवाब दिया था। लेकिन पहले नजर डाल लेते हैं आज के पंचांग। ये तो हो गई पंचांग की बात। अब जैसा मैंने कहा था कि मैं पढ़ूंगी कि किन किन लोगों ने रिप्लाई किया है, तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जिनका रिप्लाई आया है, बहुत सारे लोगों ने धन्यवाद लिखा है। जय श्री राम, जय श्री राम आप सभी कह रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने रिप्लाई किया है। सबसे पहले शुभ्रा मल्होत्रा ने लिखा है, शुभ्रा मालतो ने लिखा है कि पिता का दर्जा दिया गया है। एकदम सही कहा आपने। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे एक और व्यूअर ने कॉमेंट किया है सूर्यपुत्र। जी नहीं, हम सूर्य पुत्र नहीं बोलते हैं। सूर्य को किस चीज का दर्जा दिया गया, तो सूर्य को पुत्र का नहीं, सूर्य को पिता का दर्जा दिया गया है। आपका जवाब गलत हो गया है। एक और हमारे व्यूअर ने कमेंट किया कि सूर्य को बड़े का दर्जा दिया गया है। इसके अलावा विभू जी ने कमेंट किया है पिता का दर्जा, बिल्कुल सही आपने जवाब दिया है। इसके अलावा आकाश जी ने लिखा है कि सूर्य भगवान को पिता का दर्जा दिया गया है, सही है। राजकुमार जी भी लिखते हैं पिता का दर्जा मिला है। इसके अलावा धर्म जी ने लिखा हुआ है कि सूर्य को जगत के पिता का दर्जा मिला है, एकदम सही जवाब। संजय सिंह जी ने भी बताया है कि सूर्य को पिता का दर्जा दिया गया है। जॉय ने कमेंट किया है पिता का। इसके अलावा डॉली राजदान जी ने भी कमेंट किया है। आप रेगुलर व्यूअर हैं हमारे और आपके कमेंट्स भी आते हैं डॉली जी। आपने भी लिखा है कि पिता का दर्जा मिला है। मुकेश ठक्कर जी ने लिखा हुआ है सूर्य पिता है, एकदम सही जवाब। राम लघुले जी आप भी हमेशा कमेंट करते हैं पिता का दर्जा दिया गया है, एकदम सही जवाब है। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोगों ने, स्वास्तिक डीजी ने भी लिखा है कि जो है एस्ट्रोलॉजी में पिता का दर्जा दिया, एकदम सही जवाब। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया और बताया कि सूर्य को पिता का दर्जा मिला। इट मींस आप लोगों को कि जो आंसर से एकदम सही है। तो आज भी मैं सवाल पूछूंगी लेकिन वीडियो के एंड में, इन्हीं का नाम छूट गया है तो आप कमेंट करते रहिए, मैं जरूर आने वाली वीडियोस में आप लोगों का नाम लूंगी और ऐसे ही सवाल पूछूंगी ताकि हमारी बातचीत भी आगे बढ़े और मैं भी जान पाऊं कि आप लोग हमारी वीडियोस ध्यान से देखते हैं या नहीं देखते हैं। जिन लोगों ने कमेंट किया था तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगी। चलिए नजर डालते हैं आज की राशिफल पे। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वाले आज के दिन आप, हो सकता है किसी से कहा सुनी हो जाए, तो थोड़ा सा गुस्से को कंट्रोल कीजिएगा, बातचीत को संभल के, आपको अपने शब्दों का चयन ध्यान से करना है, बातचीत संभल के करनी है। परिवार में आज के दिन लोगों का प्यार मिलेगा। सेहत का ख्याल रखने की जरूरत है, बदलते मौसम की मार पड़ सकती है। इस राशि के लोगों को आज कहीं से धन प्राप्ति या कोई गिफ्ट मिल सकता है। महा उपाय, दिन को अच्छा बनाना चाहते हैं क्या करना है, आज के दिन पिता का आशीर्वाद लेना है। जो मैंने सवाल पूछा था कि सूर्य को किस चीज का दर्जा मिला है, तो पिता का दर्जा दिया गया है। और आज का दिन जो है वो सूर्य देवता का दिन है, तो आज के दिन जो है आप अपने पिता का आशीर्वाद जरूर लीजिएगा। बाकी आपके लिए लकी कलर की बात की जाए तो वो है ऑरेंज या फिर रेड। लकी नंबर की बात करूं वो है 1 और भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। वृषभ राशि, वृषभ राशि वाले आज किसी तरीके की मन में झिझक रहने वाली है। पार्टनर के साथ कहा सुनी हो सकती है, किसी दूर के रिश्तेदार से अच्छी खबर मिलने वाली है। कुछ लोगों के जीवन में नई चीजों की शुरुआत संभव है। साथ ही साथ सेहत की बात की जाए तो पहले से चली आ रही परेशानियों का आज अंत दिखाई देगा। महा उपाय, दिन को अच्छा बनाना चाहते हैं क्या करना है, आज के दिन रेड कलर की चीजें आप डोनेट कीजिए, दान कीजिए जरूरतमंदों को, खाने की चीज, कपड़े या फिर कुछ भी आप दान कर सकते हैं। आपके लिए लकी कलर रेड है। लकी नंबर की बात करूं है 3 और भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले अपनी बातों को आज के दिन जो है आप बहुत ही अच्छी तरीके से लोगों के सामने भी रखेंगे। आज सामाजिक जीवन में आपको नाम सम्मान यानी लोगों से इज्जत मिलने वाली है, तो आप जहां भी उठते बैठते हैं उन लोगों के बीच में आपकी पूछ बढ़ेगी। इसके अलावा पैसे की बात कर लेते हैं। मिथुन राशि वाले, कहीं धन फंसा हुआ था आज वो निकल जाएगा, हालांकि खुद पर खर्च भी होगा। महिलाएं आज के दिन ज्यादा मिथुन राशि की अपने पे पैसे खर्च करने वाली हैं।
इस राशि के लोगों के जीवन में आज छोटी दूरी की यात्रा भी है। आपके लिए महा उपाय क्या है? दिन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो आज के दिन पक्षियों को दाना डालें। लकी कलर ग्रीन है। लकी नंबर की बात करूं वो है 5 और भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। कर्क राशि। कर्क राशि वाले आज कोशिश करें कि अपने काम से काम रखिएगा, किसी से फालतू की बहसबाजी में नहीं पड़नी है। अगर कोई आपको आज पोक करने की भी कोशिश करना, इग्नोर कर देना आपके लिए सही रहेगा, आपके पक्ष में रहेगा। क्योंकि कहते हैं ना, कभी कभी क्या होता है, हम कितने भी सही हो सामने वाला हम पे हावी हो जाता है, भारी पड़ जाता है। तो आज का दिन आपका नहीं कि आप जीत पाएंगे, तो कोशिश करें कि इग्नोर करें, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर है। और पीस ऑफ माइंड के लिए भी आपके ज्यादा जरूरी है। सेहत आज ठीक नहीं रहेगी। आज परिवार वालों के साथ कहीं आपकी जो है कोई इंपॉर्टेंट चीज को लेकर डिस्कशन या फिर कह सकते हैं आर्गुमेंट हो सकती है, तो थोड़ा वहां भी ध्यान दीजिएगा। महा उपाय, दिन को अच्छा बनाना चाहते हैं क्या करना है? आज के दिन सूर्य देवता को तांबे के लोटे से जल चढ़ाना है। लकी कलर ऑरेंज है। लकी नंबर की बात करूं है 1 और भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। सिंह राशि। सिंह राशि वाले आज के दिन बहुत ही अच्छा दिन रहेगा। कोई पुराना अटका हुआ काम था वो आपका हो जाएगा, या जितने भी अधूरे पड़े कार्य थे वो आप पूरे करते हुए नजर आएंगे। घर में छोटों के साथ आपकी जो है अच्छी बॉन्डिंग नजर आने वाली है, लेकिन पत्नी के साथ या प्रेमिका के साथ रहते हैं तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आज के दिन उनके साथ कलह कलेश देखने को मिल सकती है। यानी प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन में समस्याएं दिख रही है। रिश्तेदारों का आगमन होगा या कोई मेहमान शाम के समय आपके घर में आकर आपके घर में को रोशन करने वाला है। महा उपाय, दिन को अच्छा बनाना चाहते हैं क्या करना है? आज कोशिश करनी है कि आप जो है किसी भी गरीब को रेड कलर का कोई कपड़ा वो दान में दीजिए। रेड या ऑरेंज हो सकता है, लेकिन और कोई कलर नहीं, रेड या ऑरेंज कलर का कोई कपड़ा जो है उनको, धोती या जो है साधु संत को आप दान कर सकते हैं, ब्राह्मण को दान कर सकते हैं, तो वो जरूर कीजिएगा। लकी कलर की बात की जाए वो है आपके लिए ऑरेंज या रेड। लकी नंबर की बात करूं वो है 1 और भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। कन्या राशि। कन्या राशि वाले आज के दिन चिंतित नजर आएंगे। पैसे आज आपकी चिंता का कारण बन सकती हैं। कोशिश करें पार्टनर के साथ या परिवार के साथ बैठकर एक बजट बनाइए, क्योंकि आने वाला समय पैसों के मामले में थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। गलत जगह निवेश करने से बचना है, यानी बहुत ही ज्यादा कहीं भी आपको एक्साइटिंग कुछ दिखता है तो भी आज के दिन निवेश मत कीजिएगा, उसके प्लान मत बनाइएगा। घर में किसी की सेहत आपके लिए थोड़ी परेशानी का कारण रहेगी। हालांकि आज शाम का समय आपके लिए बेहतरीन गुजरेगा। आज के दिन कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है शाम के समय। लेकिन आपके लिए महा उपाय क्या है? दिन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो कोशिश करें कि आज आप किसी भी तालाब के पास जाइए, या आपको कहीं आपके आसपास कहीं दिखती है मछलियां तो मछलियों को आटे की गोलियां खिलानी है आपको। लकी कलर की बात की जाए वो है आपके लिए आज ग्रीन। लकी नंबर की बात करूं वो है 1 और भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आज के दिन आप अपने जो भी आपके रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, उन सभी से बहुत ही ज्यादा जुड़े हुए नजर आएंगे। परिवार में आज के दिन ज्यादा प्रेम दिखाई देगा, यानी अपने फैमिली के साथ अच्छी बॉन्डिंग शेयर करेंगे। साथ ही कुछ खरीदारी भी संभव है आज। घर परिवार के लिए अच्छी चीज पर पैसे खर्च कर सकते हैं। सेहत की बात की जाए तो बॉडी के लेफ्ट साइड में ध्यान रखने की जरूरत है। बच्चों को आज चोट आदि लग सकती है, तो घर में छोटे बच्चे हैं उनकी भी उनका ध्यान जरूर रखिएगा। आपके लिए महा उपाय क्या है? दिन को खास बनाना चाहते हैं तो आज कोशिश करें कि आप ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का 11 बार या 21 बार 51 बार सुबह सुबह जाप जरूर कीजिएगा। लकी कलर आपके लिए आज है व्हाइट। लकी नंबर की बात करूं है 1 और भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले आज गुस्सा तेज रहेगा, कोशिश करें गुस्से पर कंट्रोल करने की। बाकी सेहत के मामले में आज बॉडी के लोअर पार्ट में दिक्कत आएगी, कमर से नीचे कुछ इश्यूज आ सकते हैं, चोट आदि लग सकती है, ध्यान दीजिएगा। आज के दिन घर में किसी बड़ी चीज में आप पैसे खर्च करने वाले हैं, उसकी मरम्मत में खर्च करने वाले हैं। साथ ही साथ आज हो सकता है कि थोड़े आप दिन के सेकंड हाफ में उत्तरार्ध में भावुक हो जाएं, इमोशनल हो जाएं, इमोशंस में बह के कोई भी गलत डिसीजन या किसी से कोई गलत बात मत कह दीजिएगा, इस चीज का ध्यान रखना है। महा उपाय, दिन को खास बनाना चाहते हैं क्या करना है? आज के दिन कोशिश करनी है कि आप जो है विष्णु जी की आराधना जरूर कीजिएगा। लकी कलर येलो है। लकी नंबर की बात करूं है 3 और भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। धनु राशि। धनु राशि वाले शब्दों का चयन ध्यान से करना है जब आप किसी महिला से या ऑपोजिट सेक्स से बात कर रहे हैं। यानी आज ऐसा नहीं होगा कि अब बहुत ही जो भी बोलेंगे लोग सामने वाला बहुत ही आराम से ले लेगा। जब भी किसी
आप जैसे मेल है तो फीमेल के साथ, फीमेल है तो मेल के साथ, जब बात करें तो शब्दों का चयन ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि क्या होगा, आज लोग आपको गलत आ सकते हैं, आपकी इमेज खराब हो सकती है, कोई आपके चरित्र को धूमिल करने की, आपके पे गलत जो है एलिगेशन लगाने की भी कोशिश कर सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान देना है, अपनी इमेज का ख्याल रखने की जरूरत है। बाकी पैसे के हिसाब से दिन शुभ है, कहीं से पैसा आने वाला है, मेहनत का फल मिलेगा, साथ ही साथ आज के दिन कोई उपहार मिल सकता है आपको। महा उपाय, दिन को अच्छा बनाना चाहते हैं, क्या करना है, आज के दिन कोशिश करनी है कि आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें। लकी कलर रेड है, लकी नंबर की बात करूं है 1 और भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। मकर राशि, मकर राशि वाले आज काम के मामले में फायदा मिलेगा, व्यापारी लोग जो हैं, जो बिजनेसमैन हैं, यात्रा के योग बन रहे हैं, सेहत का ख्याल रखिएगा, आज के दिन हो सकता है कि डॉक्टर के चक्कर लगाने पड़े, साथ ही घर परिवार में भी कोई बड़ा बुजुर्ग बीमार पड़ सकता है, आज अपने काम को लेकर आप थोड़े से जो है, जिस राशि की खासतौर पर महिलाएं हैं, आलस करती हुई नजर आएंगी, नहीं हो सकता, होता है ना कभी कभी कोई दिन होता है जब इंसान थोड़ा चाहता है कि मैं रिलैक्स रहूं, तो आज वही दिन है जब आप थोड़ा काम से आराम चाहते हुए नजर आएंगे। इस राशि के लोगों को एक और चीज का ध्यान देना है, वो है आज घर में कोई भी बड़ा सामान लेकर मत आइएगा। महा उपाय क्या है, दिन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो आज के दिन माता पिता या बड़ों के आशीर्वाद से दिन की शुरुआत करें। लकी कलर आपके लिए व्हाइट है, लकी नंबर की बात करूं है 1 और भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले आज अपने काम से काम रखिएगा, हो सकता है कि आने वाला समय आपको कार्य में यानी कि नौकरी में या व्यापार में थोड़ा सा परेशान करे, ध्यान रखने की जरूरत है, बुद्धि भ्रमित हो सकती है, गलत चीजें करेंगे, झूठ बोलेंगे, तो कोशिश करनी है कि क्या चीजें जो आपको आने वाले समय में परेशान कर सकती हैं, काम चोरी नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है, ये सब चीजों पर ध्यान दीजिए। लोग से रिश्ते प्रभावित होने वाले हैं तो रिश्ते को बचाने के लिए कोशिश करनी है, शब्दों का चयन ध्यान से करें, और कहते हैं ना जब आप रिश्तों में चालाकी दिखाने लग जाते हैं तो रिश्ते प्रभावित होते ही हैं, तो कोशिश करें जो हैं जैसे हैं साफ दिल से उनके साथ रहें। आज यात्रा भी आपके योग में है, पैसा थोड़ा ज्यादा खर्चा हो सकता है। महा उपाय, दिन को अच्छा बनाना चाहते हैं, क्या करना है, आज के दिन कोशिश करनी कि हनुमान चालीसा पढ़कर दिन की शुरुआत करें। लकी कलर है आज रेड, लकी नंबर की बात करूं है 3 और भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। मीन राशि, मीन राशि वाले यात्रा योग में है, धार्मिक कार्यों में आज लिप्त नजर आएंगे। इस राशि के लोग जो मैरिड हैं, आज पार्टनर के लिए कुछ खरीदारी कर सकते हैं, सेहत का ख्याल रखना है, आंख या कमर से जुड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। महा उपाय, दिन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो आज के दिन घर में शाम के समय एक कपूर या गूगल जरूर जलाइएगा। लकी कलर आपके लिए आज है ग्रीन, लकी नंबर की बात करूं है 4 और भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5। तो जाना हमने कि आज का दिन सभी 12 राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। मैं क्वेश्चन पूछती हूँ या जो भी मैं चीजें बताती हूँ आप सभी ध्यान से सुनते हैं, बहुत सारे लोग हर दिन आते हैं, वीडियो को देखते हैं, कुछ सीखते हैं, कुछ बताते हैं। अगर आपकी आप कुछ लिखते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपके द्वारा कुछ लिखी गई लाइन जो है इस वीडियो में बताऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं अगले दिन की वीडियो में आपका नाम लेकर वो चीज जरूर बताऊंगी। बाकी हर दिन की तरह आज का सवाल ले लेते हैं। कल मैंने पूछा था कि सूर्य को जो है किस चीज का दर्जा दिया गया है, बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया, पिता का दर्जा। आज का सवाल जो है आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, माँ लक्ष्मी किस ग्रह से जुड़ी हुई है ये बताइए। जी हाँ, सवाल है कि माता लक्ष्मी जो है ज्योतिष में ये किस ग्रह से जुड़ी हुई मानी जाती है, किस ग्रह की जो है लॉर्ड कही जाती है, ये मुझे आपको लिखकर बताना है। ऑप्शन दे देती हूँ आपके लिए और आसान हो जाएगा। तो पहला है बुध, या फिर गुरु, या फिर शुक्र। रिप्लाई करके जरूर बताइएगा। मिलती हूँ कल शाम 5 बजे, तब तक खुश रहें, ख्याल रखें, नमस्कार।